नमस्कार दोस्तों, तो कैसी है मेरी पहाड़ी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना दोस्त भूपेन सिंह स्वागत करता हूं आपके एक और नए फ्रेश और कमाल ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मौसम पहाड़ों में काफ़ी बढ़िया हो रहा है, बारिश बंद हुई है। जो लगातार 2 दिन से बारिश हो रही थी, आज बारिश थोड़ी रुकी हुई है। कभी धूप आ रही है तो कभी बादल आ रहे हैं आसमान में। मैं आपको दिखाता हूँ दिन भर का ब्लॉग। आज भी घर ही है क्योंकि काम में जा नहीं पाएंगे, साइटों पर जा नहीं पाएंगे, क्योंकि 2-3 दिन से जो बारिश हो रही थी, धरती पे काफ़ी नमी हो चुकी है, यहाँ पे काफ़ी गीली मिट्टी हो चुकी है, तो काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बहुत कुछ होने वाला है ब्लॉग में, तो करते हैं स्टार्ट अपना दिन। और बहुत कुछ होने वाला है ब्लॉग में, चैनल वीडियो में बने रहेगा। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा हमारे ऐसे ही आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए। तो चलिए दोस्तों, अपना ब्लॉग स्टार्ट। और जो फ्रेंड ये आप पेड़ देख रहे हैं, ये देखिए छोटे छोटे पेड़ जिनकी छटाई हुई है, ये है आड़ू के पेड़ जिनकी आजकल होती है बढ़िया छटाई। और कुछ टाइम बाद यानी कि अप्रैल मई में इन पे आ जाएंगे आड़ू के फल। और पेड़ों के बीच में बुआई हुई है गेहूं की, जो मस्त अभी जमे हुए हैं। तो दोस्तों, ये जो मेरे पीछे आप पानी देख रहे हैं, ये पानी आ रहा है काफ़ी ऊपर से, नेचुरल पहाड़ों का स्रोत है, वहाँ से ये पानी आ रहा है। अभी पानी का फ्लो काफ़ी कम हो चुका है। देखते हैं, मैं सुबह लगाने गया था पानी, कि पानी वहाँ पे कितना बचा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से नेचुरल पानी पहाड़ों में आता है ऊपर पहाड़ियों से। और देखिए मेरे पीछे क्या मस्त व्यू आ रहा है, एकदम पहाड़ों के नीचे के लोगों के घर, और काफ़ी मस्त व्यू आ रहा है ऊपर जंगल के बीच में। देखिए वहाँ जंगल के बीच से लगाया है पानी हमने, मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए, तो दोस्तों मैं पहुँचने वाला हूँ वहाँ पे, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि पानी मुझे घर के लिए देखने आना है कि कितना लगा है नहीं लगा है, जो मैं सुबह लगाने गया था। तो मस्त जंगल ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए थोड़ा सा आगे जाना है, जो यहाँ आपको पीले पेड़ नज़र आ रहे हैं, ये है चीड़ के पेड़, पाइन। तो मस्त जंगल आ रहा है, मस्त व्यू आ रहा है। तो चलते हैं और आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से पहाड़ों से और जंगलों के बीच से रिश्ते हुए जो पहाड़ों में नेचुरल पानी आता है, किस प्रकार इकट्ठे हुए रहता है। दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ वहाँ पे, वहाँ पे है हमारा नेचुरल पानी का स्रोत। तो मौसम देखिए काफ़ी मस्त मौसम हो रहा है अभी, इस तरह को क्लाउड छाए हुए हैं आसमान में, तो कभी धूप आ जा रही है। मौसम सुबह से ही ऐसा बना हुआ है पहाड़ों में, मस्त फील हो रहा है अभी, क्योंकि बारिश हो रही थी लगातार 3 दिन से, तो वो रौनक ही नहीं आ रही थी। बर्फ़ तो पड़ी नहीं, बारिश लगातार हो रही, तो मज़ा नहीं आ रहा था। तो आज मौसम खुल रहा है, धूप भी आ रही है, किसी किसी टाइम बढ़िया मौसम हो रहा है। तो मैं पहुंच गया हूं वहां पे, मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से हमारा नेचुरल पानी का स्रोत होते हैं पहाड़ों में, जो ऊपर पहाड़ों से रिश्ते हुए आ रहा है, जो यहां पे स्टॉक हुआ है। मैं तो दोस्तों, हमारा ये नेचुरल पानी का स्रोत यहां पे है, और यहां से हमने घर के लिए लगा रखा है। और ऊपर देखिए पूरा जंगल है दोस्तों, घना जंगल है ऊपर, और उसी से बांज के पेड़ हैं, उन्हीं से रिश्ता हुआ यहाँ पर पानी स्टॉक हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों पूरा फुल हुआ था, ये पानी हमने लगा दिया है घर के लिए, और काफ़ी बढ़िया यहाँ से पानी घर के लिए जा रहा है। ये नेचुरल स्रोत होते हैं हमारे पहाड़ों में इस प्रकार के। तो फ्रेंड आपने देखा किस तरीके से नेचुरल स्रोत पानी पहाड़ों में होते हैं, कहीं तो आपको नॉले नज़र आते होंगे, कहीं इसी प्रकार जंगलों के बीच में आपको नेचुरल स्रोत मिल जाता है। तो ये नज़ारे हैं आज पहाड़ों पे, खासतौर पे मुक्तेश्वर पे, बढ़िया बढ़िया मौसम हो रखा है और बढ़िया लग रहा है अभी। तो मैं चलूँगा आप घर की तरफ को। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 12:30 और लंच टाइम हो चला है, और बादल देखिए आसमान में फिर से आ चुके हैं। सुबह से तो मौसम बढ़िया था, कभी धूप आ रही थी, कभी बादल आ रहे थे, लेकिन अब फिर काले बादल आने लगे हैं आसमान में। और पास में अमित भाई सेक रहा है आग जला के, मैं आपको दिखाता हूँ और क्या हो रहा है। और किचन में हरीश भाई बना रहा है लंच, मैं आपको दिखाता हूँ क्या बना रहा है। क्या चल रहा है भाई? रोटी बना रहा हूँ भाई। ये बना रहा है यहाँ पर रोटी बढ़िया तरीके से गैस में, और बन चुका है हमारा खाना, दाल और चावल, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों लंच हमारा रेडी है, लंच करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि दिन भर और क्या क्या होता है। आज घर ही पर रह के काम पर जा नहीं पाए, तो आज देखिए आप घर का ही ब्लॉग, क्या क्या हमारे साथ होता है, कैसे हम पहाड़ों पर रहते हैं, कैसा अपना जीवन यापन करते हैं। तो हरीश भाई ने यहाँ पर मस्त रोटियाँ बना दी हैं, आप देख सकते हैं, ये संभाल रहा है पीछे सब कुछ सामान। तो लंच करते हैं, उसके बाद
दिखाऊंगा मैं आपको दिन भर के ब्लॉग। और देखिए यहाँ पर हमारी अंगीठी, पहाड़ी अंगीठी। तो दोस्तों अभी शाम के 4:30 बजे का समय हो रहा है। मैं था घर ही पे, कहीं जाना आज हो नहीं पाया है, घर ही पे हूँ। और पीछे मौसम देखे, वेदर काफ़ी खुला हुआ है। वेदर जो जिस प्रकार से कल कोहरा छा रहा था, आज कोहरा उतना छाया नहीं है, बढ़िया मौसम हो रहा है। लेकिन धूप तो आई नहीं है, कभी दिन में धूप आ रही थी, कभी बादल छा रहे थे, और इसी प्रकार का मौसम हुआ है। हम कर रहे हैं घर पर थोड़े पीछे सफाई, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जो हम अमित भाई का नया यहाँ पर घर बन रहा था, तो उस पर कंस्ट्रक्शन प्लास्टर कंप्लीट हो चुका है, तो उसी पे थोड़ा साफ़ सफाई कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर किस प्रकार से साफ़ सफाई हो रही है। फ्रेंड ये है अभी शाम के समय का मौसम, काफ़ी बढ़िया मौसम, क्लाउड देखिए आसमान में, बढ़िया। धूप तो आई नहीं आज, धूप तो आई नहीं, कभी कभी धूप आ रही थी, कभी कभी दिन भर बादल ही छा रहे थे। और इस साइड को होता है सनसेट, और सामने ऊपर जो बादल दिख रहे हैं इसमें अभी सूर्य छिपा हुआ है। तो ये है नज़ारे अभी शाम के समय में पहाड़ के। और नीचे देखिए जो जंगलों के बीच में आपको लाल टिन वाले घर दिख रहे हैं 2-3, ये है निर्वाणा कॉटेज, निर्वाणा ऑर्गेनिक कॉटेज। तो काफ़ी बढ़िया जंगलों के बीच में इन्होंने बनाया है, और काफ़ी बढ़िया इनको रिस्पांस मिलता है, काफ़ी बढ़िया सीजन टाइम में इनका कॉटेज चलता है, बढ़िया है। और देखिए किस प्रकार से पहाड़ों में भी शांति हो रखी है, बारिश के बाद मौसम ही कुछ अलग देखने को मिल रहा है, काफ़ी शांति देखने को मिल रही है सभी जगह। तो दोस्तों ये है वो नया घर जिस पर 2 कमरे अभी बनाए हुए हैं, नीचे भी पहले इस पर बनाया गया है, तो इसके ऊपर प्लास्टर कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अंदर हो रही है इसकी साफ़ सफाई, मैं आपको दिखाता हूँ। दीपक भाई और हरीश भाई लगे हुए हैं अपना, अभी थोड़ी देर में मैं भी लगता हूँ। ये देखिए बढ़िया साफ़ सफाई कर रहे हैं अभी, जितना भी भाई बोल रहा है आज कहीं काम नहीं था तो घर ही का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार का अभी हमारा काम चला हुआ है घर का, आप देख सकते हैं पूरा कमरा साफ़ सफाई कर दी। अंदर एक कमरा ये था बगल में, यहाँ पर भी हमने साफ़ सफाई कर दी है, और लगा हुआ है अभी भाई भी लगा हुआ है, साथ में हरीश भाई भी लगा हुआ है, अभी मैं भी लगता हूँ। और बाहर थोड़ा बाहर रह गया, ये देखिए ये जो आंगन है, ये जो कमरे का बाहर बालकनी हम जिसको बोल सकते हैं, इसमें थोड़ा रह गया है साफ़ सफाई, तो इसको साफ़ सफाई करें। तो दोस्तों ये मेरे पीछे जो घर देख रहे हैं इसी पर अभी साफ़ सफाई चल रही है, और देखिए दीपक भाई लगा हुआ है ऊपर, हरीश भाई लगा हुआ है। ईंटों की उठाई तो हरीश भाई ने कर ली है, ईंट यहाँ से पीछे पड़े हुए थे, यहाँ पर पीछे पड़े हुए थे ईंट, तो ये ईंट तो उठा लिए हैं, दीपक भाई कर रहा है झाड़ू से सफाई, तो मैं भी थोड़ी देर चलता हूँ इसके साथ। तो दोस्तों लगभग सफाई हमने कर दी है, जो जहाँ पर अभी भाई पीछे देखे दीपक भाई जहाँ पर सफाई कर रहा है वहाँ पर ईंटें थे, ईंटें सारी उठा ली हैं, और ईंटें ये यहाँ पर पीछे देखिए हरीश भाई के यहाँ पे इस टैंकी के ऊपर रख दी हैं ईंटें, तो थोड़ी सफाई ये हो चुकी है, थोड़ी सफाई यहाँ पे दीपक भाई ने कर दी है पीछे। तो थोड़ा अभी जो एक ग्राउंड देख रहे हैं आप बाहर, मैंने जो बालकनी बताई इस पे हमारी सफाई रहेगी है, सफाई। तो दोस्तों ये है शाम का समय, 5:30 बजे का अभी समय है, जो काम हम कर रहे थे घर की सफाई वो हमने कम्प्लीट कर लिया है। और अमित भाई ने बना रखा है मस्त हलवा आटे का, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए चाय के साथ आटे का हलवा, मस्त, माय फेवरेट। तो हलवा खाते हैं, चाय पीते हैं, और थोड़ी देर तो दोस्तों फाइनली पहाड़ों में हो चुकी है शाम, सभी ने अपने घरों की लाइट जला ली है बाहर, देखिए सामने का नज़ारा। तो ये था हमारा दिन भर का ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में, अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।